हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डोमिनर पे लगे नए विंडस्क्रीन की, जो कि मैंने जेबी रेसिंग का परचेज़ की है फ्लिपकार्ट से। और ये मैं इसके आज परफॉर्मेंस और लुक के बारे में बात करने वाला हूँ, तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नए वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले करें बात बाइक के लुक की, तो इसके लगने से बाइक के लुक में काफ़ी एनहेंसमेंट हुई है और अब बाइक आगे से कुछ बड़ी बाइक दिखती है, बड़े बाइक का फील देती है फ्रंट से देखने पे। और मुझे ऐसे ही विंडस्क्रीन की तलाश थी जो कि ज़्यादा ना बड़ी हो और ना ज़्यादा छोटी हो, और ये परफेक्ट साइज़ है। आप देख सकते हैं फ्रंट से देखने पर काफ़ी बाइक अच्छी लगती है, और ये अपनी अपनी अलग अलग पसंद हो सकती है। और मुझे ऐसे ही विंडस्क्रीन की तलाश थी जो कि मुझे अलग से कोई फिटिंग ना करना पड़े, वो बस उसको हटा के और आराम से लग जाओ। ये जस्ट वैसा ही है, इसमें जो चार स्क्रू थे वो सेम अपनी जगह पर और सेम होल, सब फिटिंग परफेक्ट थी। तो अब इसका जरा चला के देखते हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं कि बाइक चलने में कैसी है, और ये अपने जिस पर्पज़ से मैंने इसे परचेज़ किया है वो जो विंड ब्लास्ट के कारण, तो वो झेल पाती है कि नहीं हाई स्पीड पर, वो देखते हैं। फ्रेंड, अभी हम फोर लेन पर हैं टोल प्लाजा पटना के, और अब ज़रा इसको स्पीड पर चला के देखते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ ये कैसी। आप देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, ये परफेक्टली चल रही है, और मुझे ऐसा कोई आवाज़ भी नहीं आ रहा है वाइब्रेशन की। परफेक्टली चल रही है बाइक, और मुझे फील महसूस हो रहा है कि जो अब विंड है वो डायरेक्ट मेरे फेस पे नहीं आ रही है, मेरे ऊपर से जा रही है, तो काफ़ी इफेक्टिव है ये। जिस प्राइस पॉइंट पे ये मिलती है उस हिसाब से तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि 470 इसका प्राइस था और 48 रुपीज़ मुझे इसका पे करना पड़ा डिलीवरी चार्ज फ्लिपकार्ट से, तो काफ़ी सस्ती है और इफ़ेक्टिव भी है। इसको मैं 100+ पे चला के देखता हूँ और देखते हैं कि कोई वाइब्रेशन होती है या फिर ये ठीक चलती है। देख सकते हैं 80 के ऊपर मैं जा चुका हूं, और आप देख रहे हैं कि कोई वाइब्रेशन नहीं है, और अब मुझे क्लियर पता चल रहा है कि ये जो एयर है वो मेरे ऊपर से जा रही है, ये लगभग 80% विंड ब्लास्ट को कम करती है। ओवर 90-100 पे मैं चल रहा हूं और कोई वाइब्रेशन नहीं फील हो रही है मुझे। मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि ये झेल पाएगी 100+ के विंड ब्लास्ट को, पर ये बहुत ही आराम से बाइक जा रही है और अभी भी कोई वाइब्रेशन नहीं है। 120 के स्पीड पे है और क्रूजिंग स्पीड 120 ही होती है, तो अपने जिस पर्पस से लिया था मैं ये, वो उसको फुलफिल कर पा रही है। और विंड ब्लास्ट लगभग 80% के करीब ये ख़त्म कर देती है। आपको महसूस होगा कि अब फेस पे कोई भी प्रेशर नहीं है, थोड़ा सा नॉइज़ बढ़ जाता है हवा का, वो मुझे महसूस हो रहा है कि अब आवाज़ ज़्यादा है, पहले ये नहीं सुनाई पड़ता था। वो वहाँ पर जो एयर जो वो हटा रही है उसके कारण थोड़ा सा नॉइज़ बढ़ जाता है एयर का, और वैसा कोई आवाज़ नहीं है। और 500 रुपये में आपको चाहिए भी क्या है, तो अपने प्राइस के हिसाब से भी ये काफ़ी इफेक्टिव है। फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें प्लीज़। टेक केयर, बाय बाय।